इसी के साथ समय हो गया उत्तर प्रदेश की खास खबरों का, चलिए डालते हैं नजर उत्तर प्रदेश की इस खास खबर पर। ग्राम मोहम्मदपुर कला सिकंदराबाद बुलंदशहर में रिहान साबरी जिला संयोजक के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बुलंदशहर द्वारा आयोजित देश के शहीदों के नाम, देश के अमन शांति और देश में पूरी तरह से कोरोना महामारी चली जाए इसके लिए दुआ मांगते हुए दरगाह हजरत सैयद फर्श वाले बाबा रह अलह के मजार पर दुआ चादर पोशी की गई। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया जिस दौरान क्षेत्रीय विधायक श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, विधायक सिकंदराबाद के शोहर विधायक पति वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह सोलंकी भी वहां मौजूद रहे। वृक्षारोपण किया गया, वैश्विक महामारी खत्म हो जाए इस तरह की प्रार्थना भी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान ये भी कहा गया कि सूफीवाद राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतीक है, सूफीवाद अमन शांति का संदेश देता है और इससे देश में प्रगति हो सकती है, शांति आ सकती है, पूरे विश्व में शांति अमन कायम हो। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ प्रांत के संयोजक कदीम आलम एडवोकेट ने कहा कि सूफी संतों ने हमेशा तालीम, तजहीब, तरक्की का संदेश दिया है। इस दौरान सभी मौजूद लोगों ने अपील की है कि सभी वृक्षारोपण करें।